Hello everyone, welcome back to another video of e-learning. Today we are going to do another poem of Honeydew class 8 NCERT English textbook, and the poem name is When I Set Out for Lyonnesse, and it is written by the Thomas Hardy. And guys, one more thing, until now e-learning has covered almost every chapter of Honeydew class 8, and in case aapne in videos ko nahi dekha hai, so guys go and check out those videos too. I have provided a shortcut button here, just click on it and it will directly take you to the playlist. And I wish ki aapko in video series ke through rest chapters bhi clear ho jaye. Coming back to today's poem, When I Set Out for Lyonnesse. Friends, poem likhi hai Thomas Hardy ne. Thomas Hardy basically ek poet aur novelist to the hi, but wo ek architect by profession bhi the. Architect wo person hota hai jo basically buildings ke interior and exteriors ko design karta hai, and saath hi saath uski restoration mein bhi हेल्प करता है. सो पोएम स्टार्ट करते हैं. इस पोएम की स्टार्टिंग में एक ग्लिम्स दिया हुआ है, मींस एक स्मॉल इंट्रोडक्शन सी दी हुई है. सो वो ग्लिम्स कुछ ऐसी सी है. एज ए यंग अप्रेंटिस आर्किटेक्ट, ब्रिटिश पोएट एंड नॉवेलिस्ट थॉमस हार्डी वंस विजिटेड ए पैरिश टू सुपरवाइज द रिस्टोरेशन ऑफ ए चर्च. फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि थॉमस हार्डी बाय प्रोफेशन आर्किटेक्ट थे, राइट? सो क्या होता है, वो एक बार किसी पैरिश में किसी चर्च के रिस्टोरेशन के लिए वहां विजिट करते हैं. फ्रेंड्स, पारिश को बोलते हैं कस्बा. सो किसी कस्बे में कोई चर्च होगा तो वो उसकी देखभाल के लिए जाते हैं कि क्या वो चर्च ठीक खड़ा है या नहीं, कहीं उसको कोई मरम्मत की कोई तो जरूरत नहीं है. बट ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम द पारिश, पीपल नोटिस टू थिंग्स अबाउट हिम, ए न्यू ग्लो इन हिज आईज एंड ए क्रम्पल्ड पीस ऑफ पेपर स्टिकिंग आउट ऑफ हिज कोट पॉकेट. लेकिन जब वो वहां से वापस आए तो लोगों ने दो चीजें नोटिस की. फर्स्ट, कि उनके फेस पर कुछ अलग ही ग्लो है वहां से आकर, एंड सेकंड, दे सॉ दैट देयर इज अ क्रम्पल्ड पीस ऑफ पेपर स्टिकिंग आउट ऑफ हिज पॉकेट. फ्रेंड्स, क्रम्पल्ड को बोलते हैं मुचड़ा हुआ या क्रश हुआ, कि कोई मुचड़ा हुआ पेपर उनके कोट पर लगा होता है. एंड गेस व्हाट स्टूडेंट्स, उस पेपर पर ये पोयम लिखी होती है, एंड उस पर उन्होंने अपनी लियोनिस की जर्नी के बारे में लिखा होता है. ही रोट हिज पोएम विथ थ्री स्टेंजर्स विच रिप्रेजेंट्स थ्री टाइम पीरियड्स, दैट इज बिफोर द ट्रिप, ड्यूरिंग द टाइम देयर, एंड द जर्नी बैक टू होम. एंड फ्रेंड्स, वन मोर थिंग, देयर इज नो सच प्लेस नेम लियोनिस, ये जस्ट एक इमेजिनरी प्लेस है, ठीक है फ्रेंड्स? बट स्टिल, इसके जैसा एक प्लेस था जिसके कारण उनकी लाइफ में चेंज आया था. So, उसी प्लेस को उन्होंने लियोनिस बोला है, राइट? सो अब हम रीड करेंगे इसका स्टैंजा वन. व्हेन आई सेट आउट फॉर लियोनिस 100 miles अवे, द राइन वाज ऑन द स्प्रे एंड द स्टारलाइट लिट माय लोनसमनेस. व्हेन आई सेट आउट फॉर लियोनिस 100 miles अवे. अब लियोनिस जो है वो एक टाउन है जो कि 100 miles दूर है उनके प्लेस से. सो वो अकेले उस प्लेस पर जाने लगते हैं, एंड जब वो वे में होते हैं, ही सीज द राइन वाज ऑन द स्प्रे, वो देखते हैं देयर इज ए फ्रोजन ड्यू और फ्रोस्ट ऑन द लीव्स एंड ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज, वहां के पत्तों और पेड़ों पर जो ड्यू है या जो ओस है वो जमी हुई है. फ्रेंड्स, राइम का मीनिंग होता है फ्रोस्ट, एंड स्प्रे का मीनिंग होता है लीव्स एंड द ब्रांचेस ऑफ द ट्री. गाइस, आप समझ ही सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल एनवायरमेंट होगा, हल्की हल्की ठंड एंड फ्रेश एयर. सो इन टोटल इट वॉज ब्यूटीफुल डे फॉर हिम. अब रात हो जाती है, एंड ही कंटिन्यूज सेइंग अबाउट द ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस एंड सेज इवन द स्टार लाइट लिट माय लोनसमनेस, कि वो रात भी इतनी चार्मिंग और ब्यूटीफुल थी कि उन सितारों की रोशनी और उनकी ब्यूटी ने उन्हें कभी लोनली सा फील नहीं होने दिया. वो एक बहुत ही सुंदर जर्नी थी. एंड रैमिंगली वे में फर्स्ट स्टैंजा को एंड करते हुए पोएट बोलते हैं, व्हेन आई सेट आउट फॉर लियोनिस 100 miles अवे, जब मैं 100 मील दूर गया लियोनिस. फ्रेंड्स, अब हम सेकंड सेंजा करेंगे. इस सेकंड सेंजा को रीड करने से पहले आई वांट कि हम कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स को समझ लें एंड देन हम रीड करें, ओके? सो फ्रेंड्स, बी चांस का मींस होता है हैपन, सो जर्न मींस स्टे, प्रोफेल्स मीन फॉर कास्टर ऑफ फ्यूचर, एंड डस्ट मींस डेयर. व्हाट वुड बी चांस एट लियोनिस, वेल आई शुड सोजोन देयर, नो प्रोफेल्ड डस्ट डिक्लेयर, नॉट डिड द वाइजेस्ट विजार्ड गेस. What would be chance at Lyonnesse while I should sojourn there? Now the poet is in his way to Lyonnesse and he thinks that what would happen of me? Mera kya hoga? Even no fortune teller or magician could have foretold. What would
happen while I am here. यहाँ तक कि जो लोग फ्यूचर बताते हैं वो भी नहीं बता सकते कि मेरा साथ क्या होगा अब एंड क्या मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ अब. What would be chance at Lyonnesse while I should sojourn there? What would happen of me while I'm staying here? Nobody know. Even I myself don't know, said the poet at the end. Means, what would happen of me while I'm staying here? Nobody know. Even I myself don't know, said the poet at the end. फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में दैट पोएट ने इस पोएम को थ्री स्टेंजेस में डिवाइड किया है. इन फर्स्ट स्टेंजा वो हमें अपनी ट्रिप की स्टार्टिंग के बारे में बताएंगे एंड सेकंड स्टेंजा में बिटवीन की ट्रिप के टाइम के बारे में एंड इन थर्ड स्टेंजा व्हेन ही इज कमिंग बैक फ्रॉम इट. सो नाउ वी नो दैट ही इज कमिंग बैक फ्रॉम द लियोनिस. सो नाउ वी आर गोइंग टू रीड द स्टेंजा थ्री. सो इन स्टेंजा थ्री पोएट सेज, When I returned from Lyonnesse with magic in my eyes, all marked with mute surmise, my radiance rare and fathomless, when I returned from Lyonnesse with magic in my eyes. Jab main wapis aaya Lyonnesse se, my eyes was so bright in the joy and happiness of this trip, all marked with mute surmise, my radiance rare and fathomless. This line means that everyone noticed the magic in his eyes and the radiance all over him. Friends, जब हम बहुत हैप्पी होते हैं तो हमारी आईज बहुत शाइन शाइन करती है एंड फेस भी रेड हो जाता है. सो रेडियंस को वो रेडनेस को ही बोलते हैं रेडियंस. उसी वे में पोएट का भी फेस रेड रेड हो जाता है एंड उसकी आईज भी चमक रही होती हैं एंड सब उसको नोटिस करते हैं. फ्रेंड्स, सरमाइज का मीनिंग होता है गेस. So, they made surmise as to what happened to him in Lyonnesse or what he saw there. So, they made guesses कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ and उसने ऐसा क्या देखा Lyonnesse में. But they didn't speak, mute a word. But उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप रहे. So friends, in total meaning हुआ इस line का, all marked his happiness with mute guesses. Means सबने गेस कर लिया कि पोएट के साथ ऐसा क्या होगा कि जो फेस उसका इतना शाइन कर रहा है. एंड यहाँ पर पोएम एंड हो जाती है बाय सेइंग व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम लियोनिस विद मैजिक इन माय आईज. सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो. इफ आपको हमारी वीडियोस एंड टीचिंग स्टाइल अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक. सो टिल देन टेक केयर एंड रॉक दिस वर्ल्ड विद योर क्रिएटिविटी. सी यू सून.